हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। महेश अपने आप को किरोसिन ऑयल से जलाने के लिए रेडी है। सब माचिस की कड़ी नहीं जल रही थी, बस एक कड़ी जली। जब वो कड़ी जली तो महेश के चेहरे में खुशी दिखी। महेश अपने शरीर के पास चिंगारी लेकर आ गया और एक सेकंड में ही वो जलने जा रहा था। तब भी उसी टाइम में बेडरूम में मधु, मुकेश गहरी नींद में सो रहे थे। तब अचानक से मधु के ऊपर खिड़की से बारिश की कुछ बूंदें गिरी। तब वो नींद से उठकर देखा तो किचन में महेश पूरा किरोसिन ऑयल से भीगा हुआ है और वो अपने आप को जलाने के लिए रेडी है। ऐसा देख मधु शॉक हुआ, फिर तुरंत महेश को उठाया था। महेश अपने आप को जलाने जा रहा था। अगोरा का प्लान फेल हो गया। कैसे भी एक व्यक्ति से आत्मा ले लूंगा सोचा, पर वो व्यक्ति भूख से मारा गया। अब मर जाने के बाद कोई आत्मा नहीं ले सकता है, ये बात अगोरा को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो उदास होकर वहां से चला जाता है। अगोरा का टाइम खत्म होने जा रहा है। सर के ऊपर जो काम है उसको खत्म करना है, नहीं तो बीच में रुक जाएगा। फिर अभी तक जमा किया हुआ आत्मा रोक पाना मुश्किल है। वो आत्मा को खत्म करने तक वो नहीं सो सकता है। इसलिए अगोरा फिर से सीधा साधा इंसान को बलि करने के लिए खोज रहा है। अगोरा घबरा कर पूरा शहर घूम रहा था, कैसे भी किसी इंसान का बलि के लिए रेडी करना है। किसको भी उसके मर्जी के बिना बलि नहीं ले सकते। वो लोग अपनी मर्जी से गेम में आना है, इसलिए इतना कष्ट हो रहा है। अगोरा गली गली घूम रहा है। तब एक घर में महेश को देखकर वो अपने आप को जलाने के लिए रेडी है। अगोरा वो सीन को देखा तो उसको लगा कि उसके काम का है करके सोचा। कैसे भी उस लड़के को बचाने के लिए अंदर जाने वाला था, पर रुक गया। मधु मुकेश दोनों महेश को देख स्टन रह गए, और थोड़ा लेट हो जाता तो महेश अपने आप को जला लेता। दोनों ये क्या हो रहा है सोचने से पहले दौड़ दौड़ कर महेश के पास गए। क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? तब भी महेश के हाथ में माचिस की कड़ी को दूर फेंक दिया और एक साइड वहां एक बाद से बॉटल में पानी को महेश के ऊपर डाला। महेश फिर से इस दुनिया में आ जाता है। मुझे क्या हुआ वो हमें पूछना है। क्या पागल काम कर रहा था तू? मैंने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं तो सोया हुआ था। बोलकर रुक गया। यार क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? स्पिरिट गेम, हाँ स्पिरिट गेम, उसी के साथ कुछ लिंक है। हाँ यार मुझे भी वही लग रहा है, शायद उसके वजह से ही तू ऐसा हो गया था। सोचना नहीं, वही फिक्स है। मैं गेम को बीच में छोड़ के गया हूँ, तुरंत बाहर कोई जलते हुए दिखा, मैं अंदर आके अपने आप को जलाने लगा। मुकेश महेश मधु तीनों बात करते देख रहा है अगोरा दूर से। उसको लगा 3 दिन का 3 आत्मा मिल गए। मन ही मन सोच कर वो खुश हो रहा था। इनका काम तो देखना पड़ेगा। और एक साइड तीनों बात कर रहे थे तब अचानक से डोर का साउंड आया। कौन है करके दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अगोरा था। आप कौन है जी, आपको क्या चाहिए, ये टाइम में आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं साधु बाबा हूँ, हर गांव घूम के किसी ना किसी घर पे रह के भगवान का ध्यान करता रहता हूँ। आज रात मैं क्या यहाँ पे रुक सकता हूँ? आप कौन है, ना जान ना पहचान, आपको अंदर कैसे आने दे सकते हैं? मेरे जैसे इंसान को सहायता करोगे तो तुम लोगों के सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए बाबा जी। यही बात ये लड़के को बताने बोलो। क्या मुझे क्या हुआ? किरोसिन की बदबू नहीं आने के लिए क्या किए हो तुम लोग? तीनों चौंक गए। महेश के ऊपर किरोसिन वाले बात किसी को कैसे पता चला सोच रहे थे। ये बात आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, तुम पर जो आत्मा है उसको जैसे बाहर निकालना वो भी मैं जानता हूँ। जो आप बोल रहे हैं वो सब सच है क्या बाबा जी? तुम में जो है वो तुम नहीं हो, तुम एक आत्मा के वश में हो। ये बाबा जी को अंदर बुलाकर अपने सब परेशानियां दूर करने बोलेंगे ना यार? ठीक है बाबा जी, आप यहाँ रह सकते हैं, वैसे मेरा परेशानी को भी दूर कर दीजिए।
ये भी बोलने का चीज है क्या बेटा, जरूर करूँगा। पर अंदर पैर रखते ही मन ही मन हंसने लगा। अंदर पैर रखने के साथ पूरा घर देखने लगा। उनके मन ही मन में कुछ गलत होने वाला है करके उसको शक हुआ। ये घर में तुम तीनों के अलावा और कोई भी है? आप तो बोले हैं ना बाबा जी मेरे अंदर कोई है करके, वही होगी शायद। हाँ, पर वो ये घर में बहुत दिनों से है, तुम लोग अभी उसको बाहर बुलाए। क्या, इतने सालों से रहने वाला आत्मा को हम अभी बाहर लाएं? हाँ बेटा, मैं सच बात कर रहा हूँ, वो आत्मा बाहर कैसे आना पता नहीं चला। अब तुम लोग कुछ तो करके उसका आशा बढ़ाए हो। बाबा जी अब कुछ तो कीजिए, हमारे दोस्त को आप ही बचा सकते हैं, कैसे भी करके उसे बचाइए प्लीज। वही बोल रहा हूँ, तुम लोग इस बीच में कुछ गलत काम किए हो तो बताओ। मधु, महेश, मुकेश तीनों एक दूसरे का फेस देख रहे थे। हाँ वो कुछ नहीं होगा, बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी, ये मुकेश एक गेम खेलेंगे बोला है, गेम स्टार्ट किए पर थोड़ा देर में गेम रोक दिए, ये सब कल ही हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं बाबा जी, हम लोग स्पिरिट गेम खेलना शुरू किए, उस टाइम हम लोग का एक आत्मा से बात हुआ, पर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आया तो हम गेम छोड़ दिए। रोकने के बाद क्या हुआ वो बताओ। उसके बाद यह महेश बहुत अजीब से बिहेव करने लगा, घर के बाहर जाके कोई जलते हुए दिख रहा है करके बोला, उसके बाद ये अपने आप को जलाने लगा। अगोरा थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर थोड़े समय बाद एक बार वो स्पिरिट गेम फिर से खेलो। तीनों नहीं जैसा सोच कर खड़े रहे। अगोरा इशारा किया कुछ नहीं होगा। तब वो लोग रेडी हुए खेलने के लिए। वो लोग के पास जो पेपर, कॉइन और मोमबत्ती सबको सेट किया। फिर तीनों हाथ जोड़कर ओ पवित्र आत्मा इधर आ करके 11 बार बोले। ऐसे बोलने के बाद बहुत तेज हवा चला और तब तक कॉइन के ऊपर उंगली रखे हुए तीनों अचानक से धीरे धीरे स्टार्ट पर चला गया। ये सब अगोरा दूसरे रूम के डोर से होल में से देख रहा था। पहले मुकेश शुरू किया। तू क्यों महेश को परेशान कर रही है? रूम पूरा साइलेंट का माहौल बन गया। कुछ तो बोल, मैंने तुमको क्या किया, मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? धीरे धीरे कॉइन नोब पर चल रहा था। क्या, मुझे नहीं मारना चाहती हो तो फिर किसे मारना चाहती हो? कॉइन फिर खास पहले ए के ऊपर चला, फिर जल्दी जल्दी जी ओ आर ए पर गई। क्या, उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे मार डाला। हम लोग तुम पे कैसे भरोसा करें, तुम तो एक आत्मा हो, तुम लोगों को भी मार देगा। हमको मारने से उनको क्या मिलेगा? फिर से रूम में शांति का माहौल था। दूर से देख रहा अगोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधु, महेश और मुकेश तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। बुलाइए। किसको? अगोरा। एकदम नहीं, तूने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुमसे ज्यादा उनका बात ही मानता हूँ। तुरंत महेश के गाल पर थप्पड़ मारे। ऐसा देख अगोरा आत्मा को कुछ कर रहा है सोचकर वो बाहर आ गया। अगोरा अंदर आते ही फिर से रूम शांति का माहौल हो गया। ऐसे होने के बाद मोमबत्ती पेपर के ऊपर गिरा और पेपर पूरा रक्सा हो गया। उसके बाद बहुत तेज से हवा चला, एक मोमबत्ती बुझ गई। सब रूम लॉक हुआ अपने आप। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रहा था। अगोरा जी क्या हो रहा है यहाँ, प्लीज हमें बचाइए। ये आत्मा का नाम सुधा है, वो आपको मारने के लिए यहाँ आई है, हमें बहुत डर लग रहा है बाबा जी। सुधा, वो नाम सुनकर अगोरा घबराने लगा। उनको पता ही नहीं चला और पसीना छूटने लगा। इतनी आसानी से ये नाम नहीं भूल सकता है। बाबा जी कौन है ये सुधा, आपको क्यों मारना चाहती है, हम लोगों को क्यों परेशान कर रही है, बताइए प्लीज। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बहुत गंदी आत्मा है, मुझे जहाँ तक पता है ये इंसानों को कैसे भी मार के अपना सुकून लेती है, ऐसे बेकार आत्माओं से मैं नहीं डरता हूँ। अगोरा बस ऐसे बोलकर उनके चेहरे में देख रहा था। जैसे ही उनकी बात खत्म होती है और अगोरा को पूरे ताकत से मारा तो पलटी खाकर डोर के पास गिरा। मैं कौन हूँ तुमको नहीं पता,
महेश बहुत तेज से चिल्लाया। उस पर आत्मा आई। उनका आंख लाल हो गया, पूरा चेहरा लाल हो गया, गुस्से से खून को लाल जा रहा था। फिर सुधा आत्मा महेश के अंदर चले गई। ये बात सबको समझ आ रही थी। आप कौन हो? ये यागोरा के ऊपर क्यों इतना गुस्सा हो? क्यों हमारे महेश के अंदर फिर आई हो? ये दरिंदे के नाम अगोरा नहीं है, इसका असली नाम मोहन है। ये कोई अनजान नहीं है, ये मेरा मामा है। ऐसे हफ्ते हुए, महेश बोला तब भी अगोरा आँख खोल रहा है। हफ्ते हफ्ते महेश अगोरा को उन्हें उल्टा हाथ से ऊपर उठाया और उसका गला दबा रहा था। सुधा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।